नमस्कार। भागदौड़ भरी दुनिया में आप रह जाते हैं अपनी खबरों से दूर। आरपी की दौड़ में छिप जाती है आपके काम की खबर। ब्रेकिंग न्यूज में गायब हो जाती है मुद्दे की खबर। बात देश की राजनीति की हो या बढ़ते अपराध की, हम आप तक पहुंचाएंगे हर खबर, क्योंकि हर खबर से जुड़ा है आपका सरोकार। इसलिए देखते रहिए यूनिवर्सल न्यूज। सिवान पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। सिवान पुलिस ने अंतर्राज्यीय गाड़ी चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिसमें 7 चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ये चोर राज्य के अलग अलग जिले के रहने वाले हैं, जो जिले में चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। सिवान में लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाओं के बाद सिवान सहायक पुलिस अधीक्षक ने टीम गठित कर जिले के अलग अलग जगहों पर इन अंतर्राज्यीय चोरी की गिरफ्तारी की, जिनके पास से चोरी की 4 पिकअप, 2 बुलेरो, 6 मोबाइल फ़ोन भी पुलिस ने बरामद किया। सिवान SSP ने बताया कि चोरी की गाड़ियों को रजिस्ट्रेशन कराकर बेच दिया जाता था। SSP ने बताया कि इसमें अगर परिवहन विभाग के पदाधिकारियों की मिलीभगत से गाड़ी की नंबर चेंज की जाती होगी तो उसकी जाँच की जाएगी और दोषी पर भी कार्रवाई की जाएगी। क्रम में एक पर्दाफाश हुआ है कि जो व्यक्ति है शहनाज आलम, इनके द्वारा ये घटना घटित की गई थी। इनके अलावा 2 व्यक्ति और थे, तो इनके पास से मोटरसाइकिल, जो लाल रंग का मोटरसाइकिल था, जो वादी ने भी बताया था कि नंबर वो रिकवरी हुई है। इनके साथ साथ लूटे गए रुपये में से 2150 रुपया रिकवर हुआ है और एक मोबाइल कंपनी जो मोबाइल है।